श्री विश्व विजय कवचम कैलाशाचल मध्यगम पुरवहम शांतम त्रिनेत्रम शिवम वामस्था गिरिजा प्रणम्य कवचम भोत्ते प्रदम पृच्छति देवी श्री बगला मुखी रिपुकुला रण्याग्नि रूपाचया तस्याश्चाप विमुक्त मंत्र सहितं प्रीत्याधुना ब्रोहिमा श्री शंकर उवाच देवे श्री भववल्लभे श्रृणु महा मंत्रं विभूते प्रदं देव्या वर्मयुतं समस्त सुखदं साम्राज्यदं मुक्तिदं तारं रोद्रवधू विरंचि महिला विष्णुप्रिया कामयो कांते श्री बगला नने मम रिपून नाशाय योग्मं त्वयि ऐश्वर्याणि पदं च देहि युगलं शीघ्रं मनोवांछितं कार्यं साधय योग्मयुच्छिव वधू वह्नि प्रियान्तो मनुः कंसारे स्तनयं च बीजमपरा शक्तिश्च वाणी तथा कीलं श्रीमिति भैरवर्षि सहितं छंदो विराट संयुतम् स्वेष्टार्थस्य परस्य वेति नितराम् कार्यस्य संप्राप्तये नानासाध्य महागदस्य नियतम् नाशाय वीर्याप्तये ध्यात्वा श्रीबगलाननां मनुवरम् जप्त्वा सहस्राख्यकम् दीर्घैषट्कयुतैश्च रोद्रमहिला बीजैर्विनस्याङ्गके ध्यानम् सौवर्णासनसंस्थितां त्रिनयनां पीतांशुकोल्लासिनीं हेमाभाङ्गरुचिं शशाङ्कमुकुटाम् सच्चंपकस्रगयुतां हस्तैरमुदगरपाशवज्ररसना संबिभ्रतीं भूषणै व्याप्तांगीं बगलामुखीं त्रिजगतां संस्तंभिनीं चिन्तयेत् विनियोगः ओमस्य श्री बगलामुखी ब्रह्मास्त्रमंत्रकवचस्य भैरवर्षि विराट छंदः श्री बगलामुखी देवता क्लीं बीजं ऐं शक्तिः श्रीं कीलकं मम मनो विलसितेष्ट कार्य सिद्धये विनियोगः ऋष्यादिन्यासः शिरसि भैरवर्षये नमः मुखे विराट छंदसे नमः हृदि बगलामुखी देवतायै नमः गुह्ये क्लीं बीजाय नमः पादयोः ऐं शक्तये नमः सर्वांगे श्रीं कीलकाय नमः करन्यासः ॐ ह्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः ॐ ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ॐ ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः ॐ ह्रैं अनामिकाभ्यां नमः ॐ ह्रौं कनिष्ठकाभ्यां नमः ॐ ह्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अंगन्यासः ॐ ह्रां हृदयाय नमः ॐ ह्रीं शिरसे स्वाहा ॐ ह्रूं शिखायै वषट् ॐ ह्रैं कवचाय हुम् ॐ ह्रौं नेत्रत्रयाय वौषट्
ओम ह्रः अस्त्राय फट मंत्रोद्धारः ओम ह्रीं ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपून् नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रं मनोवांछितं कार्यं साधय साधय ह्रीं स्वाहा। अथ कवचम् शिरो मे पातु ओम ह्रीं ऐं श्रीं क्लीं पातु ललाटकम् संबोधन पदं पातु नेत्रे श्री बगलानने श्रुतौ मम रिपुं पातु नासिकां नाशयद्वयम् पातु गंडौ सदा माम ऐश्वर्याण्यन्यं तु मस्तकम् देहि द्वंद्वं सदा जिह्वां पातु शीघ्रं वचो मम कंठदेशं सनः पातु वांछितं बाहुमूलकम् कार्यं साधय द्वंद्वं तु करौ पातु सदा मम मायायुक्ता तथा स्वाहा हृदयं पातु सर्वदा। अष्टाधिकचत्वारिंशत् दण्डाढ्या बगलामुखी रक्षां करोतु सर्वत्र गृहरण्ये सदा मम ब्रह्मास्त्राख्यो मनुः पातु सर्वांगे सर्वसंधिषु मंत्रराजः सदा रक्षां करोतु मम सर्वदा। ओम ह्रीं पातु नाभिदेशं कटिं मे बगलावतु मुखी वरणद्वयं पातु लिंगं मे मुष्कयुग्मकं जानुनी सर्वदुष्टानां पातु मे वर्णपंचकं वाचं मुखं तथा पादं षड्वरणा परमेश्वरी पादांगुल्योर्नखानि मे ह्रीं बीजं सर्वदा पातु बुद्धीन्द्रियवचांसि मे सर्वांगं प्रणवः पातु स्वाहा रोमाणि मे अवतु ब्राह्मी पूर्वदले पातु चाग्नेयां विष्णुवल्लभा माहेशी दक्षिणे पातु चामुंडा राक्षसे अवतु कौमारी पश्चिमे पातु वायव्ये चापराजिता वाराही चोत्तरे पातु नारसिंही शिवे अवतु ऊर्ध्वं पातु महालक्ष्मी पाताले शारदावतु। इत्यष्टौ शक्तयः पान्तु सायुधाश्च सवाहनाः राजद्वारे महादुर्गे पातु मां गणनायकः श्मशाने जलमध्ये च भैरवाश्च सदावतु द्विभुजा रक्तवसनाः सर्वाभरणभूषिता योगिन्यः सर्वदा पान्तु महारण्ये सदा मम फलश्रुतिः। इति ते कथितं देवि कवचं परमाद्भुतं श्रीविश्वविजयं नाम कीर्तिर्श्रीविजयप्रदम् अपुत्रो लभते पुत्रं धीरं शूरं शतायुषं निर्धनो धनमाप्नोति कवचस्यास्य पाठतः जप्त्वा मंत्रराजं तु ध्यात्वा श्रीबगलामुखीं पठेदिदं हि कवचं निशायां नियमात्तु यः यद्यत् कामयते कामं साध्या साध्ये महीतले तत्तत् काममवाप्नोति सप्तरात्रेण शंकरी। गुरुं ध्यात्वा सुरां पीत्वा रात्रौ शक्ति समन्वितः कवचं यः पठेत् देवि तस्या साध्यं न किंचन यं ध्यात्वा प्रजपेन्मन्त्रं सहस्रं कवचं पठेत् त्रिरात्रेण वशं याति मृत्यो तन्नात्र संशयः। लिखित्वा प्रतिमां शत्रोः सतालेन हरिद्रया लिखित्वा हृदि तन्नाम तं ध्यात्वा प्रजपेन्मनुम् एकविंशद्दिनं यावत् प्रत्यहं च सहस्रकं जप्त्वा पठेत्तु कवचं चतुर्विंशतिवारकं
संस्तंभो जायते शत्रोर् नात्र कार्या विचारणा विवादे विजयस्तस्य संग्रामे जयमाप्नुयात् श्मशाने च भयं नास्ति कवचस्य प्रभावतः नवनीतं च अभिमन्त्र्य स्त्रीणां दद्यान् महेश्वरी वंध्यायां जायते पुत्रो विद्या बल समन्वितः श्मशानांगारमादाय भौमे रात्रौ सनावथ पादोदकेन स्पृष्ट्वा च लिखे लौहशलाकया भूमौ शत्रो स्वरूपं च हृदि नाम समालिखेत् हस्तं तद्हृदये दत्त्वा कवचं तिथिवारकं ध्यात्वा जपेन मंत्रराजं नवरात्रं प्रयत्नतः म्रियते ज्वरदाहेन दस्मे अहनि न संशयः भोजपत्रे श्रिदं स्तोत्रं अष्टगंधेन संलिखे धारये दक्षिणे बाहौ नारी वाम भुजे तथा संग्रामे जयमाप्नोति नारी पुत्रवती भवेत् ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि नैव कृन्तन्ति तं जनम् संपूज्य कवचं नित्यं पूजायाः फलमालभेत् बृहस्पति समो वापि विभवे धनदोपमः कामतुल्यश्च नारीणां शत्रूणां च यमोपमं कविता लहरी तस्य भवेद् गंगा प्रवाहवत् गद्यपद्यमयी वाणी भवेद् देवी प्रसादतः एकादशशतं यावत् पुरश्चरणमुच्यते पुरश्चर्या विहीनं तु न चेदं फलदायकं न देयं परशिष्येभ्यो दुष्टेभ्यश्च विशेषतः देयं शिष्याय भक्ताय पञ्चत्वं चान्यथाप्नुयात् शतकोटिजपित्वापि तस्य सिद्धिर्न जायते दाराढ्यो मनुजोऽस्य लक्ष्य जपतः प्राप्नोति सिद्धिं परां विद्यां श्रीविजयं तथा सुनियतं धीरं च वीरं वरं ब्रह्मास्त्राख्यमनुं विलिख्य नितरां भूर्जेश्च गन्धेन वै धृत्वा राजपुरं व्रजन्ति खलु ये दासोऽस्ति तेषां नृपा इति श्री विश्वसारोद्धारतन्त्रे पार्वतीश्वरसंवादे बगलामुखी श्रीविश्वविजयकवचं सम्पूर्णम्। श्री विश्वविजय कवच कैलाश पर्वत पर विराजमान शांत प्रकृति वाले तीन नेत्र धारण करने वाले भगवान शिव के वाम भाग में विराजित भगवती पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम करके वैभव प्रदान करने वाले कवच के विषय में पूछा कि बगलामुखी देवी जो शत्रु कुल रूपी वन में अग्नि रूपा हैं उनके शाप विमोचन सहित कवच मंत्र को अब प्रीति पूर्वक मुझको बताइए। श्री शंकर जी बोले हे देवी भवानी सुनिए रक्षायुक्त समस्त वैभव सर्व सुख साम्राज्य और मुक्ति प्रदायक देवी के कवच का वर्णन करता हूँ। इसमें तार ओम है रुद्रवधु ह्रीम है विरंच स्त्री ऐम विष्णुपत्नी श्रीम और काम क्लीम है। हे कांति बगलानने मम रिपून नाशय ममैश्वर्याणि पदम तथा देहि देहि शीघ्रम मनोवांछितम कार्यम साधय साधय सहित शिववधू ह्रीम एवं अग्निप्रिया स्वाहा अंत में है। क्लीम बीज अपरावाणी ऐम शक्ति श्रीम कीलक भैरव ऋषि और विराट छंद है। अपने कार्यों की सिद्धि अनेक प्रकार के असाध्य रोगों की निवृत्ति तथा सतत बल वीर की प्राप्ति के लिए इसका नियोजन करते हैं। ध्यान सोने के सिंहासन पर विराजमान तीन नेत्रों से युक्त
पीले पुष्पों से सुशोभित स्वर्णिम अंग कांति वाली, चंद्र मुकुट एवं चंपा की माला धारण करने वाली, हाथों में मुदगर, पाश, वज्र और शत्रु जिह्वा धारण किए हुए, संपूर्ण अंगों में आभूषणों से विभूषित त्रैलोक स्तंभनी भगवती बगलामुखी देवी का इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। विनियोग: इस श्री बगलामुखी ब्रह्मास्त्र कवच मंत्र के भैरव ऋषि विराट छंद, श्री बगलामुखी देवता क्लीम बीज एम शक्ति श्रीम कीलक है, मेरी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए विनियोग है। ऋष्यादि न्यास: सिर में भैरव ऋषि के लिए नमस्कार है, मुख में विराट छंद के लिए नमस्कार है, हृदय में बगलामुखी देवता के लिए नमस्कार है, गुहियांगों में क्लीम बीज के लिए नमस्कार है। करण न्यास: ओम ह्राम दोनों अंगूठों को नमस्कार है, ओम ह्रीम दोनों तर्जनी को नमस्कार है, ओम ह्रूम दोनों मध्यमा को नमस्कार है, ओम ह्रैम दोनों अनामिका को नमस्कार है, ओम ह्रौम दोनों कनिष्ठिका को नमस्कार है, ओम ह्रह दोनों हथेलियों को नमस्कार है। अंगन्यास: ओम ह्राम हृदय के लिए नमस्कार, ओम ह्रीम सिर के लिए स्वाहा, ओम ह्रूम शिखा के लिए वशक, ओम ह्रैम कवचाय के लिए हुम, ओम ह्रैम कवच के लिए हुम, ओम ह्रौम तीनों नेत्रों के लिए वौषट, ओम ह्रह अस्त्र के लिए फट। मंत्र: ओम ह्रीम ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपून नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि, शीघ्रं मनोवांछितं कार्यं साधय साधय ह्रीं स्वाहा कवच। ओम ह्रीम ऐं मेरे सिर की, श्रीं क्लीं मेरे ललाट की, तथा संबोधन पद श्री बगलानने मेरे आँखों की रक्षा करें, रिपून पद मेरे कानों की, नाशय नाशय पद मेरी नासिका की रक्षा करें, मम पद मेरे कपोलों की, ऐश्वर्याणी पद मेरे मस्तक की रक्षा करें, देहि देहि पद मेरी जीव की रक्षा करें, शीघ्रम मेरे वाणी की, मनः गले की, वांछितम पद कंधों की, और कार्यम साधय साधय पद मेरे दोनों हाथों की रक्षा करें, ह्रीम स्वाहा पद मेरे हृदय की सदा रक्षा करें। 48 अक्षरों के मंत्र वाली माँ बगलामुखी घोर वन में, 48 अक्षरों के मंत्र वाली माँ बगलामुखी घर में वन में मेरी सदा रक्षा करें। ब्रह्मास्त्र सर्वांग की तथा मंत्र राज मेरी सदा सर्वदा रक्षा करें। ओम ह्रीम नाभि की और बगला मेरे कटी की रक्षा करें। मुखी ये दो पद मेरे लिंग की और अंडकोशों की रक्षा करें। सर्वदुष्टानाम पांच वर्ण का पद घुटनों की रक्षा करें। वाचम मुखम पदम इन छह वर्णों वाली, शत्रुओं को स्तंभित करने वाली परमेश्वरी बगला पद दोनों जंघाओं की सदा रक्षा करें। स्तंभ ऐसा तीन वर्णों का पद मेरे पीठ की, तथा जिह्वाम दो वर्णों का पद मेरे टखनों की सदा रक्षा करें। कीलय पद पैरों के ऊपर, तथा बुद्धिम पद पाद तल की सदा रक्षा करें। विनाशय पद पैर की अंगुलियों, नाखूनों एवं ह्रीम बीज मेरी वाणी सहित सभी इंद्रियों और बुद्धि की रक्षा करें। प्रणव ओम मेरे सर्वांग की और स्वाहा रोमों की सदा रक्षा करें। पूर्व में ब्राह्मी, अग्निकोण में विष्णु वल्लभा, दक्षिण में माहेशी, नैऋत्य में चामुंडा, पश्चिम में कौमारी, वायु में अपराजिता, उत्तर में वाराही, ईशान में नारसिंही, ऊर्ध्व दिशा में महालक्ष्मी, पाताल में शारदा, इस प्रकार वाहन और अस्त्र शस्त्रों सहित अष्ट सिद्धियां सदैव रक्षा करें। राजद्वार और राजसभा में गणनायक तथा श्मशान और जल के मध्य भैरव सदा रक्षा करें। लाल वस्त्र और सभी आभूषणों से भूषित दो हाथों वाली योगिनियां घनघोर वन में सदैव रक्षा करें। फलश्रुति: हे देवी, इस प्रकार परम अद्भुत यश विजय तथा श्री प्रदायक
श्री विश्व विजय नामक कवच कहा गया है। इस कवच का पाठ करने से निर्धन को धन, पुत्रहीन को पुत्र, बल वीर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। हे शंकरी, नियम पूर्वक रात्रि में माता श्री बगलामुखी का ध्यान मंत्र का जप करके कवच का जो पाठ करता है वह पृथ्वी पर जो भी साध्य असाध्य कार्य की कामना करता है उसके समस्त कामनाओं की सिद्धि सात रात्रि में होती है। हे देवी, जो ध्यान पूर्वक इस कवच मंत्र का 1000 बार पाठ करता है वो 3 रात्रि में मृत्यु को भी वश में कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आपको इस कवच का सदैव पाठ करते रहना चाहिए। कुछ ही दिनों में यह परम शक्तिशाली श्री विश्व विजय कवच अपना प्रभाव दिखाता है। माँ बगलामुखी मंदिर के आचार्य और साधकों द्वारा विधि विधान से अभिमंत्रित इसी श्री विश्व विजय कवच मंत्र का 5100 जप अनुष्ठान करके धारण हेतु कवच तैयार किया है जो अत्यंत शक्तिशाली है। यदि आप सक्षम हैं तो इसे अवश्य धारण करें। श्री विश्व विजय कवच की दक्षिणा मात्र 2100 रुपये और भेजने का शुल्क 180 रुपये है। कवच प्राप्त करने के लिए 8010224499 अर्थात 8010224499 पर SMS, WhatsApp और कॉल करें।